नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आईटी कानपुर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुरजीत दास ने सोमवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। मंगलवार सुबह पत्नी बुलबुल दास कमरे में पहुंची तो उन्हें पंखे से लटकता पाया। पत्नी के मुताबिक हफ्ते भर पहले 1.5 साल के बेटे को कोरोना संक्रमण हुआ तो वे गुमसुम से हो गए थे। वे डिप्रेशन के मरीज भी थे। सुरजीत IIT कैंपस में रहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर के बाहर कोविड पोस्टर लगने से उनका तनाव बढ़ गया था। असम के रहने वाले सुरजीत दास IIT में 2015 से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे। वह कैंपस के Type 3 में पत्नी बुलबुल और दो बच्चों शोभित व सुनियोजित के साथ रहते थे। उनकी पत्नी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर 9 बजे जब कमरे में गई तो चादर के सहारे पंखे से शव लटक रहा था। हाथ पैर उनके ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने IIT प्रशासन को इसकी जानकारी दी और पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। DCP संजीव त्यागी ने बताया कि दोपहर 12 बजे जानकारी मिलते ही कल्याणपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच करने पहुंची थी। जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पत्नी बुलबुल के मुताबिक सुरजीत पहले से ही मानसिक अवसाद के शिकार थे। उनका एक होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।